हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। हम लोग गुरु नीति के एक और एपिसोड के साथ में आपके साथ डिस्कशन करेंगे, जिसमें मैं हूं गणेश सिंह चौहान, टीम बॉटनी, और हमारे साथ हैं जो करण यादव, टीम बॉटनी सीएलसी का। ओके, तो यादव सर, हम लोग डिस्कस कर रहे हैं एप्लीकेशन ऑफ बॉटनी सेकंड। आपन पहले ऑलरेडी इसका जो फर्स्ट पार्ट है वो स्टडी कर चुके हैं, है ना? हाँ सर। तो 76th एपिसोड है ये। इसमें 40 क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस करेंगे। ओब्वियसली जो एप्लीकेशन पार्ट है ये एक बॉटनी में सर कई जगह मिक्स है। ऐसा नहीं है कि एक ही जगह जाके वो सारे क्वेश्चंस आपको मिल जाते हैं। एक्चुअली कुछ इसका पार्ट आपके बायोटेक के एप्लीकेशन से भी कनेक्ट हो जाता है ना। तो फिर भी हम लोगों ने कोशिश की है कि आपको एक सिलेक्टेड मटेरियल जो कि एग्जाम ओरिएंटेड हो वो प्रोवाइड किया जाए, है ना। तो हम इसमें फर्स्ट जो क्वेश्चन है उसे स्टार्ट करते हैं। मैच द कॉलम फर्स्ट एंड कॉलम सेकेंड, है ना। इसमें दो कॉलम है, फर्स्ट सेकेंड। तो इसमें ऑप्शन है ग्रोइंग माइक्रोब्स एज द अल्टरनेट सोर्स ऑफ प्रोटीन, ठीक है। तो यहाँ पर कहा गया है कि जो माइक्रोब्स कल्चर कराए जा सकते हैं वो एक प्रोटीन का सोर्स हो सकते हैं। प्रोडक्शन ऑफ थाउजेंड्स ऑफ प्लांट बाय द टिश्यू कल्चर, सर ये जो प्रोडक्शन है ये ऑब्वियसली अपने ऐसे माइक्रो प्रोपगेशन में चला जाएगा, माइक्रोप्रोपगेशन मेथड होता है। क्रॉप विद हायर विटामिंस प्रोटीन एंड फैट्स, तो ये फोर्टिफिकेशन की ओर चला जाएगा, क्योंकि फोर्टिफिकेशन एक्चुअली एक मॉडर्न जो एज है या मॉडर्न टाइम पीरियड है उसकी रिक्वायरमेंट भी है। क्योंकि आज हम एक्चुअली हिडन हंगर से सबसे ज्यादा ग्रसित हैं हमारी इंडिया में और विश्व के दूसरे हिस्सों में, जहां पर उनको खाना तो उपलब्ध होता है लेकिन जो रिक्वायर्ड न्यूट्रिएंट्स हैं, खासतौर से माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, वो उपलब्ध नहीं हो पाते हैं। तो इसके लिए साइंस की एक टेक्नोलॉजी है जहां पर कि हम जो फूड इनटेक करते हैं या यूज करते हैं एज ए फूड, उसमें ही कंटेंट जो न्यूट्रिएंट्स की है वो बढ़ा दी जाए, तो उस प्रोसेस को हम बायो फोर्टिफिकेशन कहते हैं। जेनेटिकली आइडेंटिकल प्लांट्स, सोमाक्लोनल, जो कि बिल्कुल 100% पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में सिमिलर टिश्यू कर रही है, बिल्कुल सर। कैपेसिटी टू जनरेट प्लांट फ्रॉम सिंगल सेल, ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है और ये यहाँ खास तौर से आपके टिश्यू कल्चर वाले हिस्से में दिया हुआ है। ये टिश्यू कल्चर से रिलेटेड पूरा क्वेश्चन है और बेहतरीन क्वेश्चन है। टोटिपोटेंसी के लिए कहना चाहेंगे कि ये प्लांट में करैक्टर होता है, प्लांट में होता है, जहां पर एक सेल जो है कंप्लीट प्लांट को प्रोड्यूस कर सकती है, और ये बहुत ही शॉर्ट टाइम में टेस्ट ट्यूब के अंदर आर्टिफिशियल जो कल्चर मीडियम है वहां पर एक प्लांट में कन्वर्ट हो सकता है, है ना। ऐसे डिस्कवर करने वाला साइंटिस्ट था स्टीवर्ट, और हेवरलैंड से एक्सपेरिमेंटली दिया भी था। कैरेट की जो जो रूट होती है वहां से एक सेल निकाल के उन्होंने इस पर काम किया था। टोटिपोटेंसी ज्यादातर प्लांट सेल का कैरेक्टर है, एनिमल सेल में जो होता है 8 ब्लास्टोमियर तक जब स्टेज होती है तो वो टोटिपोटेंट स्टेज में होती है, वहां पर सेल में पाई जाती है, फर्दर ऐसा नहीं होता। हाँ, लेकिन बाद में अपने पास में ऐसा बिल्कुल। वैसे सर ये पहले पढ़ाते थे एक हिला सेल, आपने कभी पढ़ी हो तो हिला सेल एक कंसेप्ट था जहाँ पर एक हेनरिटा एक अमेरिका में लेडी थी, उसके बॉडी में बाउंड्स जनरेट हो रहे थे, तो वहां से वो जो बाउंड्स जब पेट्री डिश में रखे गए तो वो डिवीजन कर रहे थे। ये इसका एक्सेप्शन आज तक के इतिहास में है साइंस में, वहां उन्हें हेला सेल नाम दिया गया था। तो ये वायरस के कल्चर में स्टडी किया जाता है। बिल्कुल, आपको एक एडिशनल इंफॉर्मेशन सर के द्वारा दी गई है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखें नॉलेज के तौर पे। बिल्कुल, जो भी हम लोग डिस्कस करते हैं आप उन्हें खास तौर से सुने, वो आपके स्टडी के पॉइंट ऑफ व्यू से हैं और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हैं, तो काफी खास है। अच्छा क्वेश्चन था सर, हम सेकंड क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेट सेंटेंस, यहाँ कुछ सेंटेंस दिए गए हैं और इसमें से सिलेक्ट द राइट ऑप्शन फॉर द फ्लक्स। फ्लक्स के लिए ये अच्छा सेगमेंट है, ये वहाँ पर जब BOD इंक्रीज हो जाती है हाँ। तो
तो उसे रिड्यूस करने के लिए माइक्रोब्स के लिए एरेशन प्रोवाइड की जाती है, फिर मैस लाइक कुछ स्ट्रक्चर्स बन जाते हैं, है ना। तो उसमें अपने बैक्टीरिया भी होते हैं और उसमें फंगस के फिलामेंट्स भी होते हैं, तो उसको कंबाइंडली हम लोग फ्लक्स कहते हैं, है ना। तो एनारोबिक बैक्टीरिया एंड फंजाई फॉर मैस लाइक स्ट्रक्चर्स। एनारोबिक तो वहां नहीं होगी, नहीं, है ना, क्योंकि एरोबिक क्योंकि यहाँ पर अपना सेकंड ट्रीटमेंट चल रहा है, है ना। तो जहाँ एरेशन टैंक है वहां पर इसका डिकम्पोजिशन फास्ट किया जा रहा है। बैक्टीरिया एंड फंजाई फॉर्म मैस लाइक स्ट्रक्चर इन एयर कंटेनिंग स्लज डाइजेस्टर टैंक। ओब्वियसली ये बिल्कुल सही है, यहाँ पर जो डाइजेशन प्रोसेस है उसे फास्ट करने के लिए वहां पर आर्टिफिशियली एक एयर की पंपिंग की जाती है, तो जिससे कि उसकी जो रिक्वायरमेंट है ऑक्सीजन की वो फुलफिल हो जाती है, है ना। फिर है मिक्सचर ऑफ गैसेस, तो सर ये बायोगैस के लिए बात करी जा रही है, तो ये फ्लक्स नहीं हो सकता। प्राइमरी स्लज बिफोर बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट, तो ये भी नहीं है। तो ऑब्वियसली सर के अकॉर्डिंग कहा जा रहा है कि ये जो सेकंड है तो वो सही है, तो इसका मतलब अपना थर्ड आंसर बिल्कुल राइट बन रहा है। ओके, बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं सर। रेजिस्टेंट अगेंस्ट द जैसिड्स एंड बॉल वर्म इन कॉटन इज कंफर्म बाय रेस्पेक्टिवली, ठीक है। तो इसमें जैसिड्स एंड बॉल वर्म के लिए सर, जैसे बॉलवर्म के लिए अगर हम बात करें तो अपने पास में स्मूथ लीव्स, अपने पास में बॉलवर्म के लिए रेजिस्टेंस हो जाती है एनसीईआरटी की लाइन में, और जैसिड्स के लिए अगर बात करें तो हेयरली अपने पास में जो होती है वो जैसिड्स, ये सर एनसीईआरटी की एडिटेड लाइन है ना। तो इसलिए आजकल जो ट्रेंड है नीट का, कहीं ना कहीं सर बहुत ज्यादा हाई फाई क्वेश्चन नहीं देते, वो सीधे सीधे नीट से, नीट में एनसीईआरटी से ही सीधे क्वेश्चन बनाते हैं, लाइनों से क्वेश्चन बनाते हैं, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से ही काफी अच्छा क्वेश्चन है सर। हाँ, तो इसका सेकंड आंसर हो जाएगा। बिल्कुल। नेक्स्ट, हाउ मेनी गिवन पार्ट ऑफ प्लांट यूज एज एक्स प्लांट टू प्रोड्यूस वायरस फ्री न्यू प्लांट। ये काफी क्वेश्चन आता है सर नीट में, है ना। तो मेरे हिसाब से अच्छा डिस्कशन है, आप लोगों के लिए भी काफी इम्पोर्टेंट ये क्वेश्चन बन जाता है। तो यहाँ कहा जाता है कि जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है वहां पर वायरस का इन्फेक्शन नहीं होता, और इसीलिए अगर एक इन्फेक्टेड प्लांट भी है तो वहां का जो मेरिस्टेम है, खासतौर से प्राइमरी मेरिस्टेम जो कि कंटिन्यूस डिवाइडिंग कंडीशन में है, और वो एपिकल रीजन में होगा और इंटरकैलरी जोन में प्रेजेंस हो सकता है। टॉप पे प्रेजेंट होगा वो एपिकल, और जो नोड पर होगा वो इंटरकैलरी। तो ये इंटरकैलरी के लिए भी सर यही कहा जाता है कि एक्चुअली इट इज रिमेनिंग पार्ट ऑफ एपिकल मेरिस्टेम व्हिच गेट्स सेपरेट ड्यूरिंग एलोंगेशन ऑफ स्टेम। स्टेम जब लंबाई में बढ़ रहा होता है तो उस नोड रीजन पर ये छूट जाता है, तो इंटरकैलरी मेरिस्टेम कोई अलग से नहीं है, वो एक्चुअली एपिकल मेरिस्टेम का ही पार्ट है। स्पीड जो होती है इसकी ज्यादा हो जाती है तो बीच में कुछ सेल्स छूट जाते हैं, कुछ पार्ट छूट जाता है। तो कहने का मतलब हमारा आंसर इसी डिस्कशन के आसपास होगा, ठीक है ना। तो अब आता है एपिकल मेरिस्टेम, लेटरल मेरिस्टेम ऑफ डाइकॉट प्लांट, तो लेटरल तो सर नहीं होगा, है ना। फिर आते हैं इंटरकैलरी मेरिस्टेम, यस द ए एंड सी बनता है। Xylem of any plant, not possible. Parenchyma of stem, not possible. क्योंकि जो permanent tissue होता है वहाँ पर virus का infection हो जाता है। अच्छा, यहाँ एक interesting चीज है जो हमेशा के लिए आपको समझ लेनी है कि आखिर which is क्या कारण है कि apical meristem को या primary meristem को ये infect क्यों नहीं करता। तो उसकी बच्चों से अगर discuss हो जाए तो ज़्यादा better रहेगा। क्योंकि यहाँ पर कहा जाता है सर कि रैपिडली डिवाइड होता है, बहुत ज्यादा तेज गति से डिवाइड होती है। और एक और बड़ी खास बात है कि वायरस हमेशा वही इन्फेक्शन करता है जहाँ कंडक्टिंग एलिमेंट होता है, यानी कि जहाँ पर उसकी ट्रांसमिशन की पॉसिबिलिटी होती है। लेकिन एपिकल मेरिस्टेम में तो अपना वैस्कुलर बंडल है ही नहीं है, और इसीलिए भी कहा जाता है कि वहां पर एक तो रैपिड डिवीजन है और दूसरा लैक ऑफ कंडक्टिंग टिश्यू, तो उस वजह से ये दोनों वहां पर एपिकल पर वायरस इन्फेक्शन नहीं कर। यहाँ पर एक चीज और जोड़ी जा सकती है, जैसे रूट हेयर जो होता है, मतलब बैक्टीरिया हमेशा अपेक्स से इन्फेक्शन करता है, लेकिन वायरस अपेक्स पर इन्फेक्शन नहीं कर सकता। तो अच्छा क्वेश्चन है।
इसमें ए एंड सी सर आंसर बनेगा, तो इसका मतलब है अपना बिल्कुल सेकंड राइट आंसर बाजार। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेयर ऑफ प्लांट प्रिपेयर्ड एज वायरस फ्री बाय टिश्यू कल्चर प्रोसेस। ठीक है, ये इसी सेगमेंट का अगला पार्ट है वहां एनसीईआरटी में। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। हाँ सर, तो अपने पास में टोमेटो एप्पल, टोमेटो पोटेटो, सुगर कैन पोटेटो। अगर हम बात करें तो सुगर कैन और पोटेटो जो है वो अपने पास में मॉडिफाइड स्टेम से हम इसका कल्चर करा सकते हैं। तो अपने पास में स्टेम से कल्चर करा सकते हैं, तो उसका एपिकल पार्ट हम ले सकते हैं। तो ये अपने पास में वायरस फ्री प्रोसेस में हम सुगर कैन और पोटेटो का फॉर्मेशन कर सकते हैं। एप्पल जो होता है और टोमेटो होता है, इनमें अपने पास में एक तरह से जो कायिक जनन होता है उसकी प्रोबेबिलिटी कम होती है, बिल्कुल। और इसमें जो है वो कायिक जनन की प्रोबेबिलिटी ज्यादा होती है। तो अपने पास में सोमेटिक रिप्रोडक्शन की वजह से हम इनको प्रिफेयर करते हैं, बिल्कुल। टिश्यू कल्चर एक तरह से सोमेटिक रिप्रोडक्शन का ही टाइप हो जाता है, बस उसमें वेरिएशन नहीं है, बिल्कुल। तो इसलिए अपने पास में थर्ड राइट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी स्टेटमेंट आर राइट फॉर एंटीबायोटिक्स। ये फिर सुन लो, ये काफी इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट है, एनसीईआरटी बेस्ड है, और ये हम लोग एंटीबायोटिक में उसमें बायोटेक में भी डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन चूंकि यहाँ पर स्पेशली सर इस पे एंटीबायोटिक पर रिसर्च की गई है, बात करी गई है, तो फ्लेमिंग चेन एंड फ्लोरी वर अवार्डेड द नोबेल प्राइज इन 1945 फॉर डिस्कवरी एंड इफेक्ट ऑफ एंटीबायोटिक्स। एक्चुअली ये जो फ्लोरे एंड चेन है ये एक्चुअली इफेक्ट ऑफ एंटीबायोटिक के लिए कनेक्ट है। हाँ, और फ्लेमिंग जो साइंटिस्ट है वो डिस्कवरी के लिए रिस्पॉन्सिबल माना जाता है। इस फ्लेमिंग ने एंटीबायोटिक की डिस्कवरी की है, सबसे पहला जो पेंसिलिन के फॉर्म में था, और उसके काफी दिनों बाद इन दोनों साइंटिस्ट ने यानी कि चेन एंड फ्लोरे ने इसकी इफेक्टिवनेस को शो किया था। और कहा जाता है कि इसी इफेक्टिवनेस के बेसिस पर अमेरिका ने सबसे पहले अपने सोल्जर्स को सेकंड वर्ल्ड वॉर के टाइम जो इंजरी हुई थी बाउंड्स उनके हीलिंग के लिए उनके ट्रीटमेंट में एंटीबायोटिक का फर्स्ट टाइम यूज किया था। और इसी के बेसिस पर कहा जाता है कि 1945 में अमेरिका ने खासतौर से इसमें नोबेल प्राइज के लिए नॉमिनेट किया था और उससे अवार्ड भी दिया गया, नो डाउट। एम्स में डायरेक्ट पूछा गया था कि किस सन में अवार्ड, बिल्कुल बिल्कुल क्योंकि ये अच्छा पॉइंट है, आजकल चल भी रहा है कि भाई कोरोना पर कौन सा एंटीबायोटिक, मेरे ख्याल से एंटीबायोटिक दे रहे हैं लेकिन वो एक्चुअली वायरस को अफेक्ट नहीं करता, वो बॉडी में दूसरे इम्पैक्ट आ रहे हैं उसे इन्फेक्शन से सीरियस, तो उनको हील करने में, उनको प्रोटेक्ट करने में काम आता है। तो कोई भी वायरस कभी भी एंटीबायोटिक से अफेक्ट नहीं होता। यहाँ पर एक बात और क्लेरिफाई कर दी जाए कि एंटीबायोटिक की डेफिनेशन में ही ये बात लिखी है कि एनी केमिकल प्रिपेयर बाय ए माइक्रोब्स और लिविंग कैन इनहिबिट चेकआउट ऑफ अनदर लिविंग नॉन एज एंटीबायोटिक, क्योंकि अगेंस्ट द बायोटिक, एंटी मतलब अगेंस्ट और बायोटिक मतलब ऑर्गेनिज्म, वायरस इज कनेक्टिव लिंक। वायरस एक्चुअली हम टोटली लिविंग भी कंसीडर नहीं करते, हाँ वही तो, और यही वजह है कि वायरस पर एंटीबायोटिक का इम्पैक्ट नहीं पड़ता। ठीक है, वैसे तो यहाँ पर एक और चीज सर स्टडी बच्चों को अगर डिस्कस हो जाए तो बहुत बढ़िया हो जाए, जैसे कि क्या कारण है कि वायरस पर एंटीबायोटिक अफेक्ट नहीं करते, तो उसकी वजह बताई जाती है सर कि एंटीबायोटिक जो होते हैं वो उसकी जो अफेक्ट की जो कैटेगरी है वो फोर टाइप होती है। हाँ, या तो मेटाबॉलिक, नंबर वन सम एंटीबायोटिक अफेक्ट सेल वॉल ऑफ माइक्रोब्स लाइक पेनिसिलिन, हाँ पेनिसिलिन है, एम्पिसिलिन है। उसके बाद में कहा जाता है कुछ एंटीबायोटिक मेम्ब्रेन को अफेक्ट करते हैं, कुछ एंटीबायोटिक बैक्टीरिया की प्रोटीन फॉर्मेशन को अफेक्ट करते हैं, जैसे मेटाबॉलिक रिएक्शन। उसके बाद में कुछ एंटीबायोटिक मेटाबॉलिक जैसे रेस्पिरेशन आदि को अफेक्ट कर सकते हैं। अब चूंकि वायरस के अंदर ये चारों में से कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं है, और इसीलिए कोई भी वायरस इससे एंटीबायोटिक से अफेक्ट नहीं कर सकता, है ना। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग है और काफी इम्पोर्टेंट भी है। तो एंटीबायोटिक्स आर नॉट, ये संभावना भी है क्योंकि कोरोना की वजह से वायरस तो बहुत चल रहा है,
तो मे बी कि ये आपसे पूछा जाए, स्ट्रेप्टोमाइसिन एंटीबायोटिक प्रिपेयर्ड बाय स्ट्रेप्टोमाइसिस ग्रेशियस, ये बिल्कुल सही है। ठीक है, तो यहाँ पर एक बात ये आपकी लाइन क्यों खास हो रही है सर, एंटीबायोटिक वाले हिस्से में जहाँ लास्ट की लाइन में वहाँ कुछ लिखा गया, वहाँ कहा गया है डू यू नो सम अदर सोर्सेज कैन प्रिपेयर एंटीबायोटिक्स, तो उसके रेस्पेक्ट में मेरे हिसाब से ये बहुत बढ़िया है, क्योंकि पेंसिलिन की रिसर्च तो पेंसिलिन नोटेटम से हुई है सर, लेकिन अदर सोर्स के बारे में आएगा तो फिर वो यहीं पर डिस्कशन होगा। स्ट्रेप्टोमाइसिन एंटीबायोटिक जो है स्ट्रेप्टोमाइसिस ग्रेशियस से प्रिपेयर होता है, और यहीं पर एक बात और डिस्कस हो सकती है कि सबसे ज्यादा जो एंटीबायोटिक बनाए जाते हैं वो स्ट्रेप्टोमाइसिस की ही स्पीसीज से बनाए जाते हैं, है ना, जैसे स्ट्रेप्टोमाइसिस वेनेजुअली है, एक सर ये है था कि मैक्सिमम जो एंटीबायोटिक ऑब्टेन हुए हैं वो लगभग 70% बैक्टीरिया से, और बैक्टीरिया में भी ये फिलामेंटस बैक्टीरिया, फिलामेंटस बैक्टीरिया एक्टिनोमाइसिटीज का, बिल्कुल। तो अपने पास में क्या है कि हम फर्स्ट एंटीबायोटिक जो डिस्कवर हुआ वो फंजाई से हुआ, बिल्कुल, अपन तो यही सोचते हैं कि एंटीबायोटिक, बच्चा भी यहाँ कंफ्यूज होता है, कंफ्यूज है। तो अगर आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए कि मैक्सिमम एंटीबायोटिक्स आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम, तो ऐसी कंडीशन में आप बैक्टीरिया लगाएं या स्ट्रेप्टोमाइसिस है तो आप उसे आंसर लगाएं, हाँ स्ट्रेप्टोमाइसिस है तो उसे आप आंसर लगाएं, ना बढ़िया है। तो ग्रोथ ऑफ स्टेफिलोकोकस इज इनहिबिटेड बाय द पेंसिलिन एंटीबायोटिक, ठीक है, स्टेफिलोकोकस बैक्टीरिया पर ये पेंसिलिन की जो सबसे पहले डिस्कवरी स्टेफिलोकोकस की ही हुई थी। स्टेफिलोकोकस एक नॉर्मल बैक्टीरिया है सर जो मवाद के लिए रेस्पॉन्सिबल, पस फॉर्म में सर, तो अपने पास में पेनिसिलिन की डिस्कवरी उसी की इनहिबिशन। एक्चुअली यहां पर एक अच्छा डिस्कशन है सर, थोड़ा सा और डिस्कस हो जाए इस पर। एक्चुअली क्या था कि जो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग था वो एक स्लाइड पर पस की स्टडी कर रहा था, और इसी पस के अंदर उसे कुछ पॉइंट पर यहाँ पर कुछ बैक्टीरिया दिखाई दे रहे थे, तो इसलिए वहां पर एनसीईआरटी में याद करो अनवॉश्ड स्लाइड की बात करी गई, बिल्कुल। एक्चुअली वो पस पर स्टडी कर रहा था, वो बिना धुली उसे छोड़ गया, फिर क्या हुआ कि पेंसिलिन के जो पोनिडिया होते हैं वो यहाँ पर आके कल्चर मीडियम मिल गया, फंजाई में होता है क्योंकि वो सैप्रोफाइट है, तो वो पस के ऊपर जाके सरवाइव कर जाता है। फिर जब वो नेक्स्ट डे फ्लेमिंग आता है और वो स्लाइड पर फिर से ऑब्जर्वेशन करता है, तो वो कुछ ऐसे पॉइंट देखता है उस स्लाइड के ऊपर कि वहां पर बैक्टीरिया एक्चुअली स्टेफिलोकोकस सरवाइव नहीं कर पा रहा, तो एक सर्कल सा बन रहा है वहां पर, एक स्पेक्ट्रम जनरेट हो रहा है। तो फिर बात ये आती है, तब उसने इसको रिसर्च किया, डिस्कवर किया, तब ये पाया कि ये तो पेंसिलिन नोटेटम है भी, और ये केमिकल प्रोड्यूस कर रहा है जो कि इस बैक्टीरिया की फाइलोकोकस की ग्रोथ रुक रही है, तो तब जाके एंटीबायोटिक की इस तरीके से एक रैंडम और सडन रिसर्च होती है ना सर। तो इसमें अपन ने एक स्टेटमेंट रहोगे, बाकी तीन अपने पास में, बिल्कुल सही, तो अपना आंसर 3 हो जाएंगे करेक्ट, तो 4th हो जाए। अच्छा क्वेश्चन है, आप इसे ध्यान से समझें और सुन, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये अच्छा है, एससीपी वाला, ये फूड प्रोडक्शन वाला ही है, एससीपी वाले सेगमेंट से ही लिया गया है, सिंगल सेल प्रोटीन। तो 250 ग्राम ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैन प्रोड्यूस 25 टन्स ऑफ प्रोटीन इन द सेम पीरियड when the 250 kg cow produce 200 gram of protein, microbes are, यहाँ पर एक डिस्कशन की बात है, एक्चुअली ये कैसे पॉसिबल है सर, ये डिस्कस किया जाए, जैसे अपने बायोरिएक्टर्स होते हैं, है ना, तो बायोरिएक्टर में अगर इतने बैक्टीरिया होंगे, हाँ, तो 250 ग्राम बैक्टीरिया एक बायोरिएक्टर में इतनी प्रोटीन को प्रोड्यूस कर सकते हैं लगभग, जैसे अपन कहते हैं ना आज की डेट में कोरोना की जो वैक्सीन है वो लाखों की संख्या में प्रोड्यूस की जा रही है बड़े लार्ज स्केल पर, तो ये भी कहीं ना कहीं बायोटेक्नोलॉजी प्रोसेस है जहां पर वो इतने लार्ज स्केल पर प्रोड्यूस कर पाते हैं। तो उस तरीके से माना जाता है कि ये इतने जो बैक्टीरिया है वो इतना 25 टन्स प्रोटीन को प्रोड्यूस कर सकते हैं, लेकिन ये गाय जो है इतना, अब वो यहाँ क्वेश्चन अपना ये है कि वो बैक्टीरिया कौन है, बैक्टीरिया कौन है, एससीपी वाले, सिंगल सेल प्रोटीन वाले,
सिंगल सेल प्रोटीन वाले बैक्टीरिया अपने पास तो इसमें सर मिथाइलो आफिलस मिथाइलो ट्रोपस ये बैक्टीरिया का नाम एनसीआरटी ने लिखा है ना, तो इसीलिए आपका स्पाइरुलिना नहीं इतना नहीं बना सकता क्योंकि यहाँ बैक्टीरिया की बात करें और स्पाइरुलिना एक एक्चुअली बीजीए में कंसीडर होता है जो इसी साल नीट में भी ये सबसे बढ़िया है क्योंकि कई बार कभी ध्यान आता ही नहीं है बैक्टीरिया का और स्पाइरुलिना कंफ्यूज कर देता है स्पाइरुलिना पे लगा देता है क्योंकि इसमें भी 70% हिस्सा जो है वो प्रोटीन का है बिल्कुल अपन सोचते हैं कि बहुत दे देगा ये हाँ तो इसलिए ये क्वेश्चन काफी अच्छा बन जाता है क्लोरेला भी प्रोटीन फॉर्मेशन से रिलेटेड ये भी अपने पास में बीजीए आ जाएगी एक तरह से यूनिसेलुलर बीजीए में जैसे प्रोटिस्टा में भी हो सकती है मेथेनोबैक्टीरियम तो मेथेन प्रोड्यूस करते हैं इनका तो इनका तो कोई रोल है नहीं तो मीन ये बिल्कुल आपका फोर्थ राइट आंसर है विच इज रॉन्ग मैचिंग इसमें कौन सी रॉन्ग मैचिंग है ये भी एनसीईआरटी से ली गई लाइनें हैं जो उसमें कुछ एसिड हैं उनके फॉर्मेशन को बैक्टीरिया किस तरीके से प्रोड्यूस करते हैं एसिटोबैक्टर एसिटी एसिटिक एसिड बिल्कुल सही है सर क्लोस्ट्रिडियम बोटुलिनम लैक्टिक एसिड ये गलत हो गया क्योंकि एले भी प्रोड्यूस करता है लैक्टिक एसिड हाँ, बैक्टीरिया है ना लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया करता है और ये तो क्लोस्ट्रिडियम ब्यूटाइलिजम तो ब्यूटाइलिक एसिड ब्यूटाइलिक एसिड को प्रोड्यूस करता है ब्यूटाइलिक एसिड सर उसमें जो पहले के जमाने में सन वगैरह पटसन वगैरह आते थे उनको सड़ाते थे तो उनकी जो फ्लोएम फाइबर है उसको अलग करने का काम ये ब्यूटाइलिक एसिड है बिल्कुल तो उस टाइम पे इसको यूज किया जाता था इसको रेटिंग ऑफ फाइबर्स रेटिंग ऑफ फाइबर्स के नाम से जाना जाता था ठीक है तो एस्परजिलस निगर एसिटिक एसिड ऑब्वियसली ईस्ट एस्टैटिन बिल्कुल सही है एस्टैटिन एक्चुअली जो कोलेस्ट्रॉल को कम करने का काम करता है ये एक्चुअली कहा जाता है कि ये उस एंजाइम से एक कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन करता है जो कोलेस्ट्रॉल प्रोडक्शन के लिए रिस्पांसिबल है हां हां बिल्कुल बिल्कुल है ना तो ये चीज नेक्स्ट क्वेश्चन स्मूथ लीव्ड एंड नेक्टर कॉटन वेरी सो रेजिस्टेंस फॉर द फॉलोइंग पेस्ट तो ऑब्वियसली सर वो जैसिड्स एंड बोलवर्म क्या तो वो अपने पास में बोलवर्म वाला एक कैरेक्टर तो वहां पर आया गया था कि बोलवर्म स्मूथ लीव्स के लिए क्या होता है अपने पास में रेजिस्टेंस होता है और दूसरा कैरेक्टर ये है कि बोलवर्म नेक्टरलेस कॉटन भी बोलवर्म को बोलवर्म आंसर बन जाएगा हां तो ये भी इसको अट्रैक्ट नहीं करते हैं बिल्कुल एनसीईआरटी का लाइन है Alexander Fleming discovered first antibiotic penicillin in 1929 when he studied on bacteria. किस bacteria पर study कर रहे थे? अभी discuss हो चुका है. Staphylococcus bacteria actually sir ये एक cocus bacteria का group है और ये bacteria actually हाँ बिल्कुल you are right sir. ये एक बंच के फॉर्म में प्रेजेंस होता है जैसे मोनोकोकस बैक्टीरिया प्रेजेंस इज सिंगल फॉर्म डिप्लोकोकस स्ट्रेप्टोकोकस स्ट्रेप्टोकोकस एक सीरीज के रूप में प्रेजेंट होते हैं ऐसे बिल्कुल और ये बंच बन जाएगा तो अपने पास में ये हो जाएगा स्टेफाइलोकोकस बिल्कुल तो कहीं ना कहीं ये स्टेफाइलोकोकस बैक्टीरिया यानी कि वो पस पर स्टडी कर रहे थे तो इसीलिए हम मान के चलेंगे कि वो स्टेफाइलोकोकस बैक्टीरिया पर ही स्टडी कर रहे थे ठीक सर नेक्स्ट Match the following column first and second. अच्छा है इस पर अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन बन रहे हैं ध्यान से आप समझें स्ट्रेप्टोकोकस है ना इसके बाद में ट्राइकोडर्मा ये बहुत क्वेश्चन बन जाता है कॉलेज पर है ना तो साइक्लोस्पोरिन ये सर जो कि इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट है कहा जाता है कि जब ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन होता है बॉडी में जैसे किडनी है हार्ट का ट्रांसप्लांटेशन है तो एक्चुअली क्या होता है कि जो सीएमआई है सेल मीडिएट जो इम्यून सिस्टम है वो कहीं ना कहीं उसे रिजेक्ट करता है और सीएमआई जो है सेल मीडिएट इम्यून सिस्टम इसमें नेचुरल किलर सेल इसका पार्ट होती है सर बिल्कुल तो ये अपने पास में एचएलए सिस्टम को पहचानती है टिश्यू के ऊपर और ये होता है सिक्स क्रोमोसोम पर होता है तो इसको पहचान करके और वो रिजेक्ट कर देती फॉरेन जो बॉडी को डिस्ट्रॉय कर बिल्कुल बिल्कुल इसलिए हमेशा उसको सप्रेस किया जाता है तब तक जब तक कि वो बॉडी ऑर्गन जो फॉरेन बॉडी ऑर्गन है अदर बॉडी का वो अडॉप्ट नहीं हो जाता एक बार जब अडॉप्ट हो जाता है तो फिर ये इफेक्टिव नहीं होता हाँ,
तो तब तक एक्चुअली ये साइक्लोस्पोरिन ये प्रोवाइड किया जाता है, ये फंगस है ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम और ड्यूटेरोमाइसिटीज, ड्यूटेरोमाइसिटीज का इस तरह से है होता है फंगल फिलामेंट इसका, तो ये उसकी मेंब्रेन। बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो इम्यूनो सप्रेसिव एजेंट तो ये अपना थर्ड एंड ये हो गया माइकोबियल। अच्छा ये क्लॉज बेस्ड क्योंकि स्ट्रेप्टोकाइनेज प्रोड्यूस करता है तो हार्ट अटैक से इसका कनेक्शन है, और ये आपका यहां माइकोबियल मायोकार्डियल जो अरेस्ट होता है। हाँ, जैसे सीने में दर्द वगैरह वाली कंडीशन जो होती है, बिल्कुल तो उनमें अपने पास में प्रोटेक्ट करता है। क्लॉट बूस्टर है सर, जब भी बॉडी में क्लॉट बनेगा तो मेनली क्लॉट जो बनता है वो हार्ट में बनता है, कार्डियक में अपने पास में, तो उसको डिस्ट्रॉय करने का काम करता है। हाँ, जो ब्लड कैपिलरीज होती है एक्चुअली उनमें कहीं क्लॉटिंग हो जाती है तो ब्लड की सप्लाई रुक जाती है, तो उसको ये ब्रेक करने का काम करता है, उससे जो हार्ट अटैक की उसकी पॉसिबिलिटीज कम की जा सकती है। ओके, फिजिकल रिमूवल ऑफ लार्ज एंड स्मॉल पार्टिकल्स फ्रॉम सीवेज इज इंक्लूडेड इन, एक्चुअली ये प्राइमरी ट्रीटमेंट कहलाएगा सर, फिजिकल ट्रीटमेंट हम जैसे बोलते हैं, जैसे चांदनी वगैरह लगा करके और उनको फिजिकली अपने, हाँ, इसमें जो जूते चप्पल वगैरह भी बहा देते हैं नदी नालों में लोग। सही सही सर, भाई खास तौर से तो जो शहर होते हैं वहाँ पर काफी रोड के ऊपर वो इम्प्योरिटीज परी रहती, गंदगी होती है, तो वो भी कहीं ना कहीं सीवेज में जाके ऐड हो जाती है, तो कहीं वो ब्लॉक ना कर दे सीवेज जो लाइन है उसे, तो उसको फिल्ट्रेट किया जाता है और फिर सेडिमेंटेशन किया जाता है। सेडिमेंटेशन का मतलब है कि यहाँ पर बड़े बड़े धूल के पार्टिकल हैं, कंकड़ हैं, पत्थर हैं, तो इन्हें भी एक ग्रिट टैंक होता है वहाँ पर, उसमें सेटल पहले करा देते हैं, उसके बाद में सीवेज का टैंक होता है, तो इसलिए वहाँ दो टैंक की बात करी गई है एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग, तो उसको हम एक्चुअली प्राइमरी ट्रीटमेंट में कंसिडर करते हैं। लेकिन जब वो बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट में चला जाता है जहाँ एरोबिक बैक्टीरिया एंड फर्दर फिर एनारोबिक भी जाता है, तो फिर वहां पर वो फिर सेकेंडरी ट्रीटमेंट में कंसिडर हो जाता है। बिल्कुल सर। नेक्स्ट, कंसिडर द गिवन डायग्राम, ये अपना बायोगैस प्लांट है सर, तो इन इंडिया दीज प्रोजेक्ट आर डेवलप्ड ड्यू टू द अफेक्ट ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट। बिल्कुल सही है सर, खादी विलेज कमीशन, इंडस्ट्रियल कमीशन जो है उसके जरिए दोनों के जो संयुक्त जो प्रयास थे उससे इसको स्टैब्लिश किया गया। इन दिस एरोबिक डाइजेशन ऑफ सेलुलोजिक मटेरियल, तो सर एरोबिक तो नहीं होगा, ये एक एनारोबिक प्रोसेस जो होता है, तो ये रॉन्ग हो रहा है यहाँ पर। As raw material mainly cattle's dung and other cellulose domestic waste is used, बिल्कुल सही है। Product of this process is cooking and lighting, क्योंकि बिल्कुल सही है, एनसीईआरटी में कह रखा है, है ना, एक ग्रुप ऑफ आर्किबैक्टीरिया, बिल्कुल सही है, क्योंकि मीथेनोजेंस इसमें पार्टिसिपेट करेंगे और ये आर्किबैक्टीरिया का ही ग्रुप होता है। बिल्कुल बिल्कुल, सबसे प्राचीनतम बैक्टीरिया होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सर, यहाँ पर जैसे अपनी एनसीईआरटी में एक बात करी गई है, डफ जब बनता है इडली और डोसा के अंदर, तो वहाँ पर ये बायोगैस के इंट्रोडक्शन में भी ये बात कही गई है कि अलग अलग बैक्टीरिया अलग अलग टाइप की गैस को प्रोड्यूस कर सकते हैं, वो तब जबकि उनका रॉ मटेरियल अलग अलग, सही बात, जैसे ईस्ट है, ईस्ट है तो वो CO2 प्रोड्यूस करता है क्योंकि स्टार्च को एज ए फूड वो यूज करता है, लेकिन जहां सेलुलोज कंटेनिंग फूड आ जाएगा और सेपरेट ब्यूफिटिक बैक्टीरिया है, मीथेनोजेंस है, तो ऑब्वियसली फिर वहां मीथेन का प्रोडक्शन होगा, तो मीथेन का प्रोडक्शन हर चीज से नहीं कर सकते, वो सेलुलोज कंटेनिंग सब्सटेंस से ही खास तौर से होगा, जिसमें कि घास होता है, सब्जियों का जो वेस्ट मटेरियल है, इसलिए अदर की बात करी गई है, और इसमें खास तौर से जो डंग है वो भी पार्शियली डिकम्पोज होता है, टोटली कंप्लीट नहीं होता है, इसलिए वहां पर मीथेन का सफिशिएंटली प्रोडक्शन चल जाता है। तो सर अपने राइट कितने बन रहे हैं यहाँ पर अभी, तो सर एक ही, अच्छा ए ग्रुप ऑफ आर्किबैक्टीरिया हो गया, इसके बाद में इन इंडिया दिस प्रोग्राम इज सक्सेसफुली यूज, अर्बन नहीं है सर ये, रूरल हाँ, शहरी में नहीं, गाँव में ये पॉसिबल होता है क्योंकि गाँव में लोग अपने घरों के आसपास ये व्यवस्थाएं करके रख सकते हैं, तो वहां ये चीजें पॉसिबल हैं, तो इसमें दो तो रॉन्ग हो रहे हैं सर, बी एंड फोर सही हो गए, तो आपके
कितने? सिक्स है, फोर सही हो गए सर। फोर सही हो गए, इसका मतलब थर्ड आंसर राइट बन जाता है। ओके बिल्कुल सही है। नेक्स्ट, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डिसीज ऑफ प्लांट कॉजेस बाय बैक्टीरिया। देखो बिल्कुल एनसीईआरटी का है ये। नहीं अपन ने सही है, एनसीईआरटी से ही हमें डिस्कस करना है, मेन चीज ये है। और ऐसे क्वेश्चन देखने में छोटे होते हैं और अगर आपने ध्यान से पढ़ा नहीं है तो एक्चुअली ये बड़ा नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो सर आप इसको एक्चुअली ब्राउन रस्ट ऑफ व्हीट है, लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो है, ये सब ये तो फंजाई वाली है अपने पास में। ये है जो अब फोर्थ है, ब्लैक रोट ऑफ क्रूसिफेरी, ये बैक्टीरिया से होने वाली डिजीज, बैक्टीरियल डिजीज है। और टर्निप मोज़ेक वायरस, वायरस से जितनी भी डिजीज होती है उसमें मोज़ेक आ जाता है, मोज़ेक धब्बे बनने वाला जो उनका करेक्टर है, ये फंजाई की डिजीज हो गई और ये अपने पास में बैक्टीरिया की डिजीज हो गई, कहीं ना कहीं पक्षिनिया से रिलेटेड। हाँ पक्षिनिया से, ब्लैक रस्ट और ब्राउन रस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं सर, फाइंड आउट द करेक्ट स्टेटमेंट। हमें करेक्ट को सेलेक्ट करना है, ठीक है। एनारोबिक बैक्टीरिया इज रिस्पांसिबल फॉर द एसिडोस एसिडिए, तो ये रॉन्ग है कहीं ना कहीं। कलेक्टिवली मीथेनोजेंस आर रिस्पांसिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ गोबर गैस, ऑब्वियसली मीथेनोजेंस बायोगैस गोबर गैस, तो ये बिल्कुल सही है सर। ये बिल्कुल, ये मिक्सचर ऑफ गैस है, यहाँ पर अपनी मीथेन है, यहाँ पर CO2 है, H2S है, कुछ अमाउंट में हाइड्रोजन भी प्रेजेंट होता है, तो ये मिक्सचर ऑफ गैस है। स्लरी, स्लरी इज अनडिकम्पोज्ड वेस्ट मटेरियल रिमेंड ड्यूरिंग बायोगैस प्रोडक्शन एंड एथेनॉल प्रोडक्शन। नहीं नहीं, रॉन्ग हो जाएगा सर, एथेनॉल के प्रोडक्शन में स्लरी का स्लरी का कोई रोल नहीं है, उसके लिए ग्लूकोज होना जरूरी है। हां सेलुलोज से नहीं बनता। नहीं ट्राइकोडर्मा इज ए बैक्टीरिया, ये तो बैक्टीरिया होता है, ट्राइकोडर्मा एक फंगस है एक्चुअली। तो अच्छा क्वेश्चन है, पैथोजन जरूर कंट्रोल करती है, ठीक है, क्योंकि ये बायो कंट्रोल एजेंट है ट्राइकोडर्मा, बट ये बैक्टीरिया नहीं है, ये फंजाई है। तो ये अपने पास रॉकीफोर्ड चीज आर रिपेंट बाय द फॉलोइंग स्पेसिफिक ऑर्गेनिज्म व्हिच गिव इन ए पर्टिकुलर फ्लेवर। एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है सर कि यहाँ पर जो चीज बनता है जिसमें कि काफी टाइम लगता है, अबाउट 5 to 6 months लगते हैं। हाँ बिल्कुल, तो इसमें कहा जाता है कि एक्चुअली जो चीज बनता है उसमें जो एरोमा है, फ्लेवर है, टेक्सचर, ये तभी जनरेट होता है जब एक फंगस से इन्फेक्शन करते हैं। बिल्कुल है ना, तो पेनिसिलिन की कुछ स्पीसीज हैं जो इसमें पेनिसिलियम रॉकीफोर्टी, रॉकीफोर्टी ही नाम है उसका, तो वो एक्चुअली इन्फेक्शन करती है तभी इसमें एक्चुअली एरोमा टेक्सचर एंड इसका जो फ्लेवर है वो जनरेट होता है। सबसे अच्छा चीज है पेनिसिलिन रॉकीफोर्टी, काफी लंबे टाइम में बनता है, बड़े बड़े पोर होते हैं उसमें, सबसे बड़े पोर भी इसमें होते हैं CO2 के प्रोडक्शन के कारण। बिल्कुल बिल्कुल सर। फ्लक्स आर, फ्लक्स है क्या जो अभी डिस्कस भी किया है, लेकिन फिर भी एक अलग तरीके से क्वेश्चन तो वही है, एनसीईआरटी के आना है, उनके तरीके बदल जाते हैं। मास ऑफ बैक्टीरिया एसोसिएटेड विद एल्गल फिलामेंट, एल्गल नहीं होगा सर, बिल्कुल क्योंकि फंगल है, फंगल मास ऑफ फंजाई एसोसिएटेड विद एल्गल, फिर गलत हो गया, मास ऑफ बैक्टीरिया एसोसिएटेड विद फंगल फिलामेंट, बिल्कुल सही है, तो ये राइट हो जाता है, मास ऑफ फंजाई एसोसिएटेड विद द बैक्टीरियल फिलामेंट्स, बैक्टीरियल फिलामेंट फिर गलत हो गया, तो इसमें आप थर्ड आंसर याद रखें, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, which tank has the initially higher BOD? If when BOD किसके ज्यादा होगी, मतलब जो just अभी organic matter ज्यादा, organic matter यानी कि primary के अंदर ज्यादा होगी, aerobic tank where the flux are allowed to grow, यहाँ पर भी होगा क्योंकि सबसे पहले तो physical treatment के बाद में सीधे aerobic में अपन लेकर आते हैं, तो यहीं पर BOD सबसे ज्यादा होगा, इसमें treatment तब तक चलता रहेगा जब तक कि उसका BOD कम नहीं होगा, कम नहीं हो जाए, है ना। तो सेटलिंग टैंक वेयर द फ्लक्स आर अलाउड टू सेडिमेंट, ये आगे की प्रोसेस होती है, एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर में होगा नहीं, ऑल ऑफ दिस हो नहीं सकता, ऑब्वियसली अपना फर्स्ट आंसर बनता है। यहाँ पर सीधे सीधे जो प्राइमरी ट्रीटमेंट के बाद में उस प्राइमरी इफ्लुएंट को लेकर आते हैं एनारोबिक टैंक में, जहाँ उसकी बीओडी को रिड्यूस करने के लिए उसे एयर एयर पंपिंग दी जाती है, आर्टिफिशियल एयर प्रोवाइड की जाती है। इसमें अपने पास में जो वायवीय बैक्टीरिया होते हैं तो अपने पास में वो क्या करते हैं सर कि जैसे डिकम्पोजिशन करते हैं ऑर्गेनिक मैटर का, बिल्कुल ऑर्गेनिक मैटर का डिकम्पोजिशन करने के लिए उनको चाहिए ऑक्सीजन,
जितनी ऑक्सीजन वो अपने पास में डिमांड करेंगे वो कहलाएगी बीओडी। बीओडी अब अपने पास में ज्यादा ऑर्गेनिक मैटर है, स्टार्टिंग में हम लाए तो ज्यादा ऑर्गेनिक मैटर है तो बीओडी हाई हो जाएगी, और जैसे जैसे बीओडी डिक्रीज होती जाती है एक कॉन्स्टेंट लेवल पे आ जाती है तो फिर हम उसको एनारोबिक में ले जाते हैं। हाँ, बार बार इसकी सैंपलिंग की जाती है इसका जो बीओडी रिड्यूस हुआ कि नहीं, और जैसे ही रिड्यूस हो जाता है एनारोबिक में ले जाते हैं तो वहां पर जाते ही अपने पास में ऑक्सीजनेटिक बैक्टीरिया वैसे ही खत्म हो जाएंगे क्योंकि वहां पर एनारोबिक कंडीशन होगी तो फिर वो एनारोबिक का रोल शुरू हो जाता है, फिर वो मीथेन का प्रोडक्शन, मीथेन का प्रोडक्शन, और फिर फाइनली जो इफ्लुएंट निकलेगा उसे आप जो भी वाटर सोर्सेज है उसमें नदी वगैरह में छोड़ सकते हैं, तो फिर फर्दर वो वाटर पॉल्यूशन नहीं होता। बिल्कुल सर, बिल्कुल। Next है, the Indian Agriculture Research Institute, New Delhi, has released several vegetables, crops enriched in vitamin and minerals, which one is the most effective method to prepare these? Sir, वही चीज आ गई कि biofortification, क्योंकि इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट ने कई क्रॉप्स प्रोड्यूस की हैं। बिल्कुल, विटामिन ए का जैसे अपने पास में उन्होंने मार्केट में उतारा है। यहाँ पर एक लैब लैब करके जो लिखा है वो एक्चुअली डॉलिकोज लैब लैब है, वो सैम का नाम है, बॉटनिकल नाम है वो डॉलिकोज लैब लैब है ना। तो ये बायोफर्टिफिकेशन है, बायोफर्टिलाइजर्स नहीं होगा है ना, बायोमैग मैग्निफिकेशन नहीं हो सकता, तो बायोफर्टिफिकेशन एक्चुअली काफ़ी डेवलपिंग और पुअर अनडेवलप्ड जो कंट्रीज हैं वहाँ पर ये सबसे बड़ी समस्या आती है कि उन्हें हिडन हंगर से सामना करना पड़ता है उसे। जैसे इसका एक बढ़िया एग्जाम्पल यहाँ पर रख के समझाया जा सकता है, जैसे गोल्डन राइस है। गोल्डन राइस मतलब राइस को ज़्यादातर लोग एज ए फूड इंटेक करते हैं, अगर उसमें विटामिन ई का भी प्रोडक्शन बढ़ा दिया जाए तो नाइट ब्लाइंडनेस के कई रोगियों का इलाज ऑटोमेटिकली किया जा सकता है, जो कि कई अनडेवलप्ड कंट्रीज में बड़ी मेजर इश्यू है कि वहाँ विटामिन ए के सफिशेंट सोर्स उन्हें नहीं मिल पाते हैं क्योंकि उतना पैसा खर्च नहीं कर पाते हैं कि वो सफिशेंट न्यूट्रिएंट्स कंटेनिंग फूड को बॉय कर सकें या खरीद सकें। तो ऐसी कंडीशन में फिर उनके साथ में बायोफर्टिलाइजेशन बड़ा ही यूजफुल ये प्रोसेस है जो साइंस ने डेवलप किया। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। टोमेटो इज सर, टोमेटो अपने पास में ये भी आईसीएआर द्वारा ही अपने पास में बनाया गया था, इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च। इसने क्या किया था कि भाई जैसे मान लो कि आगे आने वाले टाइम में पॉपुलेशन जैसे जैसे बढ़ रही है सब एग्रीकल्चर के लिए खेती कम हो रही है, दूसरा अपने पास में जो वाटर रिसोर्स है वो भी खत्म हो रहे हैं, तो ये सोच रहे थे कि भाई कम जगह में ज्यादा प्रोडक्शन ले सके, हम ऐसा प्लांट बनाते हैं सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन करवा करके कि भाई अपने पास में जिसमें सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन में उन्होंने टोमेटो और अपने पास में ले लिया था पोटेटो और करवा दिया था अपने पास में सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन और बना दिया था टोमेटो। जाके इसमें क्या होगा सर, नीचे तो अपने पास में आलू लगेंगे, पोटेटो लगेंगे अंडरग्राउंड, और अपने पास में एरियल पार्ट में अपने पास में टोमेटो लगेंगे, ऐसा प्लांट इन्होंने डेवलप किया था तो अपने पास में, जिससे कि आने वाले टाइम में अपने पास में काफी अच्छा प्रोडक्शन कम जगह में ज्यादा प्रोडक्शन हो, मतलब बढ़ती हुई जनसंख्या से खाना उपलब्ध करा सकते हैं, वो साइंस की कोशिश है इसमें, क्योंकि एनहांस फूड मटेरियल इस टॉपिक का ही नाम है। सर इसमें थोड़ा और बच्चों को ऐड कर दें कि ये जो टोमेटो है अभी फार्मर्स के लिए अवेलेबल है, इस पर रिसर्च अभी कंटिन्यू चल रही है, खासतौर से पोटेटो रिसर्च इंस्टीट्यूट शिमला के अंदर है ना, आनंद चक्रवर्ती एक साइंटिस्ट हुए हैं उन्होंने इसको डेवलप किया है, तो वो कोशिश चल रही है अभी चल रही है, अभी ये फाइनलाइज फॉर्म में आएगा तब लोग को उपलब्ध होगा, अभी ऐसे नहीं है कि बच्चा कभी कभी समझ ले, सो कई बच्चे पूछते भी है कि सर क्या ये उपलब्ध है अभी, तो अभी ये उपलब्ध मार्केट में उपलब्ध, हाँ बिल्कुल, लेकिन स्टडी में ये कई वर्षों से इसको यूज किया जा रहा है। Which of the following group of cyanobacteria is used as biofertilizers? Actually, cyanobacteria में सर वो हेटरोसिस्ट की प्रेजेंस होती है, नाइट्रोजन बनाती है, बिल्कुल, जो नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, एटमोस्फेरिक नाइट्रोजन को ये नाइट्रेट और दूसरे अदर नाइट्रोजन कंपोनेंट में कन्वर्ट कर सकता है नाइट्रोजनेज एंजाइम के प्रेजेंस में, तो वही बैक्टीरिया
खासतौर से साइनोबैक्टीरिया इंक्लूड किए जाते हैं जिनमें हेटरोसिस्ट की प्रेजेंस होती है ना। तो इसमें नॉस्टॉक एनाबीना राइजोबियम, राइजोबियम में एक्चुअली हेटरोसिस्ट नहीं होगा और ये साइनोबैक्टीरिया में नहीं आता है, तो ये इसीलिए गलत हो जाता है। राइजोबियम फिर आ गया तो ये यहाँ गलत हो जाता है। नॉस्टॉक ऑसिलेटोरिया एनाबीना, ये सर एनसीईआरटी में दिए गए हैं, ऑसिलेटोरिया का भी जिक्र है। नॉस्टॉक एनाबीना तो बहुत जगह आता है लेकिन ऑसिलेटोरिया एक ही जगह एनसीईआरटी ने यूज किया है। माइकोराइजा ऐसा काम नहीं करेगा, ये फंगस भी नहीं करेगा, तो ऑब्वियसली हमारा ये थर्ड आंसर राइट बन जाता है। माइकोराइजा इज ये क्या है? माइकोराइजा एक्चुअली एसोसिएशन है अपने पास में, जो कुछ प्लांट्स होते हैं सर, हायर प्लांट जो होते हैं उसमें मिनरल न्यूट्रिशन के लिए वो फंजाई से एसोसिएशन करते हैं, तो हायर प्लांट और फंजाई का अपने पास में एसोसिएशन है वो होता है माइकोराइजा कहलाता। जिनके रूट हेयर लेस डेवलप होते हैं ऐसे प्लांट इससे अपने पास में संबंध बनाते हैं जिनके रूट हेयर लेस डेवलप होते हैं, तो ये सिम्बायोटिक एसोसिएशन है, दोनों को फायदा होता है। फंजाई मिनरल्स का एब्जॉर्प्शन करता है, ये अपने पास में फूड बनाता है क्योंकि ये टोटोट्रोप्स होगा, तो ये अपने पास में फूड जो होता है वो दे देगा किसको, फंजाई को, और फंजाई बदले में मिनरल्स किसको, मिनरल्स एंड वाटर एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है। सर यहाँ बाम के बारे में थोड़ा और डिस्कस हो जाए। एक्चुअली माइकोराइजा दो तरीके का है, एक है आपके लिए एक्टोमाइकोराइजा जो कि रूट की आउटर सरफेस पर फंगस माइसीलियम को सो करता है, एक होता है एंडोमाइकोराइजा। एंडोमाइकोराइजा सर जिसकी फंगल माइसीलियम उसके वैस्कुलर टिश्यू तक पेनिट्रेट हो जाते हैं और फिर वहां पर ज्यादा एफिशिएंटली वो वाटर मिनरल की सप्लाई दे पाते हैं, तो ऐसी कंडीशन में हम एंडोमाइकोराइजा कहते हैं। और ये जब लास्ट 2013 के अंदर मुझे अभी याद है वहां पर ये बाम पूछा गया था, आपको एक और चीज बता दें, माइकोराइजा हमारे रखने की वजह ये थी कि एनसीईआरटी में माइकोराइजा के लिए सर इंफॉर्मेशन कम से कम 4 times दी गई, 11th की एनसीईआरटी में भी है, 12th की एनसीईआरटी में भी काफी अच्छी डिस्कशन है माइकोराइजा पर। माइकोराइजा के लिए इवन एक लाइन में ये लिखा गया है कि पाइनस सीड मे नॉट जर्मिनेट विदाउट माइकोराइजल एसोसिएशन, तो मतलब पाइनस के सीड के जर्मिनेशन के लिए माइकोराइजल एसोसिएशन जरूरी है, है ना। तो पाइनस में खास तौर से माइकोराइजल एसोसिएशन होता है, इसके बाद में ऑर्किड बेंडा है, इनमें सेंट्रलम में देखने को मिलता है माइकोराइजल एसोसिएशन। खास तौर से इसका रिस्ट्रिक्शन ऐसा नहीं है कि जिम्नोस्पर्म तक ही, ये एंजियोस्पर्म में भी प्रेजेंस है, तो ये भी अच्छी इंफॉर्मेशन है। नेक्स्ट, टोटिपोटेंसी इज द फीचर ऑफ ऑल लिविंग प्लांट सेल। सर ऑल लिविंग का तो अच्छा इसमें ऑप्शन ही नहीं है सर, ऑल एनिमल सेल, ऑल एनिमल सेल नहीं होगी, बोथ फर्स्ट एंड सेकंड नहीं हो सकता, नन एनसीईआरटी में लिखा ऑल लिविंग, ऑल लिविंग ये एनसीईआरटी में लिखा है, एनसीईआरटी बेस्ड इंफॉर्मेशन है, इसलिए अच्छा क्वेश्चन बन जाता है। नेक्स्ट, एक्सप्लांट मे बी, ये एक देखने में बहुत छोटा प्लांट क्वेश्चन है लेकिन अपने आप में काफी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। एक्चुअली क्या होता है कि सबसे पहले इसमें पंचानन महेश्वरी का जिक्र आता है, उन्हीं को हम फादर ऑफ एम्ब्रियोलॉजी के नाम से जानते हैं। इन्होंने टिश्यू कल्चर प्रोसेस पर और एम्ब्रियोलॉजी बहुत अच्छे काम किए हैं। अगर हम देखें 12th के एनसीईआरटी में जो फर्स्ट साइंटिस्ट है वो पंचानन महेश्वरी हैं, उनकी बायोग्राफी आप लोग जरूर पढ़ें, वहाँ पर अच्छी खासी इंफॉर्मेशन दी गई है। आपको एक बात अच्छी इंटरेस्टिंग यहाँ बता दें कि पंचानन महेश्वरी ही वो पहले साइंटिस्ट हैं जिन्होंने 1964 के अंदर फर्स्ट जो एनसीईआरटी की बुक लिखी गई थी वो इनकी ही गाइडलाइन में लिखी गई थी, और ये एनसीईआरटी की उस बायोग्राफी में लिखा हुआ है, उसकी जो लास्ट लाइन है उसमें यही बात है। बायोग्राफी से भी काफी क्वेश्चन आ जाता है सर, वो जो रामचंद्रन प्लॉट का। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, तो एक्चुअली एक्सप्लांट क्या होता है, एक्सप्लांट ये होता है, कहा जाता है कि गुहा एंड महेश्वरी दो साइंटिस्ट हुए हैं सर जिन्होंने एक टेस्ट ट्यूब के अंदर एक पोलन ग्रेन का यूज किया है, हैप्लोइड कल्चर, पोलन, हाँ पोलन ग्रेन, और इससे हैप्लोइड कल्चर करने के बाद में इन्होंने प्लांट जनरेट किया एक्चुअली,
वो प्लांट यहाँ पर इस तरीके से रूट प्रोड्यूस करता है और इस तरीके से इसमें लीफ। तो ये जो प्लांट है एक्चुअली सर हैप्लॉइड मेल प्लांट है। कैसा है? मेल पर हैप्लॉइड मेल प्लांट बनाते हैं क्योंकि पोलन ग्रेन हैप्लॉइड होते हैं। तो नेचर में ये एक अनोखा डेवलपमेंट था, एक अनोखी रिसर्च थी कि आप एक इंजियस फॉर्म में भी है बर्ड प्लांट को प्रोड्यूस कर पा रहे। तो एक्सप्लांट का मतलब है कि आप जरूरत के हिसाब से डिफरेंट टिश्यू का यूज, मतलब प्लांट का कोई भी पार्ट जिसे हम टोटिपोटेंसी उसमें हो और उससे नया प्लांट बना सकते वो अपने पास में जाएगा एक्सप्लांट। अगर हम हैप्लॉइड प्लांट बनाना चाहते हैं तो पोलन ग्रेन को यूज कर लो। मान के चलो एक्सप्लांट में सर अपन हायर प्लांट मैंने बीएससी में देखा था तो वहाँ पर अगर ट्रिप्लॉइड प्लांट बनाना है तो हम एंडोस्पर्म का भी यूज कर सकते हैं और अगर डिप्लॉइड फीमेल प्लांट बनाना है तो हम न्यूसिलस का यूज कर सकते हैं। तो ऐसे वहाँ पर जिक्र था ये बातें। तो एक्सप्लांट में एक्चुअली वो सारे मटेरियल आ जाते हैं जिनसे कि हम रिक्वायर्ड या डिजायरेबल प्लांट्स को प्रोड्यूस कर सकते हैं सर। तो अपने पास में ऑल आंसर हो जाएगा इसका। हाँ बिल्कुल, पोलन ग्रीन है, मेरिस्टेम है, सेल बिल्कुल बिल्कुल। Which of the following is not used as a biopesticide? किसे biopesticide के फॉर्म में यूज नहीं करेंगे? बढ़िया क्वेश्चन है सर। बिल्कुल है ना। तो Bacillus thuringiensis ये तो यूज होगा ही, बीटी बैक्टीरिया। अच्छा, तो अपने पास में इससे तो बीटी टॉक्सिन, अपने पास में ऑप्टेन होता है। बीटी टॉक्सिन का तो पहले के जमाने में काफी यूज होता था। हाँ। फिर उसको क्या कर दिया, जीन को ही निकाल करके और बीटी क्रॉप में ट्रांसफर कर दिया। तो अपने पास में इसका काफी यूज है। तो अपने पास अच्छा यहाँ पर सर इसी सेगमेंट में एक उनकी ड्राई स्पोर्स की बात करी गई है। हाँ। सकेट ऑफ ड्राई स्पोर्स बिल्कुल पहले के जमाने स्प्रे स्प्रे कर देते हैं। हाँ। पहले क्या होता था कि ये बीटी जो है सर क्रिस्टल फॉर्म में मिलता। हाँ। तो इसके पाउच आते थे, उसको पानी में डिजोल्व करके और इन्फेक्टेड प्लांट के ऊपर अपने पास में स्प्रे किया जाता था ताकि वो भाई क्या होता था बॉलवर्म वगैरह जो होते हैं लीफ खाते हैं, तो लीफ खाते तो लीफ पर एक क्राई प्रोटीन आ जाती थी और फिर वो उनके मिडगट में जाकर के और खत्म। और इनके लिए ये भी कहा गया था कि इनमें एरोमा भी होती है जो इन इंसेक्ट को जो पेस्ट है उनको अट्रैक्ट भी करती है। तो फिर जब वो इसको खाते हैं तो फिर फाइनली वो बीटी बीटी जो क्रॉप में आपको इन्फॉर्मेशन है वो फर्दर काम करती है कि जो क्रिस्टलाइन प्रोटीन है वो जैसे ही मिडगट में जाएगी अल्कलाइन मीडियम में पहुंचेगी वो वहां पर टॉक्सिक सब्सटेंस में कन्वर्ट होकर एपिथेलियम डिग्रेड करना स्टार्ट कर देगी और उससे क्या है उसकी एपिथेलियम में पानी भर जाता है, फूल जाता है, मर जाता है। तो अल्टीमेटली वही कंसेप्ट है यहाँ पर। ट्राइकोडर्मा ऑब्वियसली है, ट्राइकोडर्मा तो अभी अपन ने बताया था बायो कंट्रोल एजेंट है, तो मेनली निमेटोड्स के लिए है सर, है ना। न्यूकोपॉलीहाइड्रोसिस वायरस जेंथोमोनास कपेस्ट्रस ये नहीं है, जेंथोमोनास नहीं है। एनपीवी एक जीनस है जिसमें ऑर्थ्रोपोड्स के लिए नैरो स्पेक्ट्रम की तरह अपने पास में यूज किया। नैरो स्पेक्ट्रम आगे क्वेश्चन भी है आईपीएम पर, वो खासतौर से मैंने इसी बेसिस पर सिलेक्ट किया। हाँ, तो उसमें क्या है कि उसमें जो सिलेक्टेड हैं जिन्हें जो हमारे लिए हार्मफुल है हम उन्हीं को डिस्ट्रॉय करना चाहते हैं, जो हमारे लिए फ्रेंड हैं या हमारे लिए हार्मफुल नहीं है तो उन्हें हम प्रोटेक्ट भी करना चाहते हैं। तो उसी श्रेणी में ये काम है जो सर बता रहे थे, नैरो स्पेक्ट्रम प्रोड्यूस किया जाता है, मतलब एक सिलेक्टेड चुनिंदा जो पेस्ट है उन्हीं को। क्योंकि भाई पेस्टिसाइड होता है ना वो तो सब पे इफेक्ट करेगा, पेस्टिसाइड सब पे इफेक्ट करेगा। बायो पेस्टिसाइड है ये तो एक तरह से सर प्रे और प्रीडेटर वाला रिलेशन होता है। बिल्कुल बिल्कुल, तो वो अपने प्रे को ही अपने पास में प्रीडेटर यूज करेगा। तो ये होगा नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे। करेक्टली मैच द लिस्ट फर्स्ट एंड लिस्ट सेकंड, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है, हमें इस पर ध्यान देना चाहिए। तो स्टैटिन ऑब्वियसली वही है जो ईस्ट के जरिए प्रोड्यूस हुई थी, है ना, ईस्ट के जरिए। तो इसमें ईस्ट स्टैन हो जाएगा, है ना सर। बिल्कुल। सिट्रिक एसिड, और सिट्रिक एसिड जो होगा वो अपने पास में एस्परजिलस एस्परजिलस नाइगर फंजाई फंजाई है ना। हां, इससे ब्यूटायरिक एसिड क्लास्ट्रिडियम से क्लास्ट्रिडियम स्ट्रेप्टोमाइसिन जो एंटीबायोटिक तो डिस्कवर्ड जो होती थी वो अपने पास में इसमें आ जाएगा, वोकमैन वाला। हां ये अच्छा क्वेश्चन है, देखो। हां,
एक्चुअली मेरा ऐसा मानना है सर कि यहाँ पर आजकल पेंसिलिन के बारे में हर एक एग्जाम में पूछा जाता है, मतलब जो टीचर के फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड उर्दू इसमें भी पूछा जाता है। तो मेरे हिसाब से ये अगर नीट में कोई क्वेश्चन बन सकता है तो वो ये भी बन सकता है, क्योंकि वॉक्समैन ही वो साइंटिस्ट था जिसने एंटीबायोटिक टर्म भी दिया और वॉक्समैन ही वो साइंटिस्ट से स्ट्रेप्टोमाइसिन की डिस्कवरी की थी, है ना। अब लाइपेज है तो लाइपेज के लिए कहा जाता है कि ये एल्बिवो कैंडिडास, ये कैंडिडा लाइपेज जो है अपने पास में, तो ये हो जाएगा ना सर, यूज है डिटर्जेंट नहीं, दोनों हां दोनों हो जाएंगे, दोनों हां दोनों, क्योंकि डिटर्जेंट में भी आप इसका यूज करोगे भाई, आपके जो कपड़े गंदे होते हैं एक्चुअली वो फैट के वजह से इंप्योरिटीज वगैरह धूल डस्ट है उसमें मिल जाती है, तो उससे होते हैं, तो ये दोनों ही इसके हो जाते हैं। और स्टेनिन का एक और हो जाएगा और बी में सिट्रिक एसिड में क्या जा रहा है सर अपना, फर्स्ट जा रहा है। बायोलॉजिकल कंट्रोल के लिए प्रॉपर मैचिंग किसमें नहीं है, ट्राइकोडर्मा सॉइल बोर्न पैथोजेंस, ठीक है, बैक्यूलो वायरस स्पेसिफिक इंसेक्ट बिल्कुल, क्योंकि नैरो स्पेक्ट्रम का कंसेप्ट है, लेडी बर्ड बीटल एफाइड्स अल्टरनेरिया, इसमें सॉइल बोर्न पैथोजेंस, हाँ अल्टरनेरिया जो है वो अपने पास में सोयल बोर्न पैथोजन के लिए यूज नहीं होता, नहीं होता। बाकी ये अल्टरनेरिया कोलिट्राइकम जो है ये एक तरह से अपने पास में अल्टरनेरिया स्पीसीज जैसे डिकम्पोजर होता है, ठीक है, तो ये पैथोजन के लिए अपने पास में यूज नहीं आता है, तो ये बायो कंट्रोल एजेंट है ही नहीं। बाकी ट्राइकोडर्मा है ही अपने पास में पैथोजन के लिए, बैक्यूलो वायरस भी अपने पास में है, लेडी ब्रेड बीटल जो है वो लाल धारी वाला इंसेक्ट जो अपने नॉर्मल भी है, पॉइंट्स होते हैं उस पर, हाँ ये अपने पास में सरसों के खेतों में बहुत ज्यादा रेड रेड स्पॉट होते हैं उसके ऊपर, तो ये सरसों के खेतों में अपने पास में काफी सारा मिल जाता है, तो ये अपने पास में उसका हो जाएगा। अल्टरनेरिया के लिए इनसे आगे ड्यूटरोमाइसिटिन कह रहा है कि ये मिनरल रिसाइक्लिंग बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, है ना, तो अपना राइट आंसर तो यही बनना है, फोर्थ, है ना। ये अच्छा खासा है, IR8 ताइवान नेटिव 1R, है ना, ये क्या है एक्चुअली, इससे क्या राइस के देखो पहले जो राइस था वो अपने पास में मतलब अपने पास में लॉन्ग राइस होते थे सर, और लॉन्ग भी अपने पास में गेहूं वगैरह होते थे, वीट वगैरह, तो फिर सेमी ड्वार्फ किसमें विकसित की गई, तो उसमें ताइचुंग नेगेटिव ये फर्स्ट अपने पास में जीन है, ठीक है, ऐसे ताइवान से अपने पास में निकाला गया था, ताइवान में जो राइस थे वो ड्वार्फ राइस थे, उसकी जीन को निकाल करके और अपने पास में रत्ना फिर इंडिया में डाला, तो अपने पास में उसमें अपने पास में डाला गया IR8 में। यहाँ पर कई बार किसी जगह बताया जाता है इंटरनेशनल राइस इंस्टीट्यूट, परंतु कई जगह बोला जाता है इम्प्रूव राइस, तो अपने पास में ये जर्नली है, ये इम्प्रूव राइस वेराइटी है IR8 जो अपने पास में विकसित की गई थी, और ये राइस की वैरायटी है और ये सेमी ड्वार्फ वैरायटी है जिससे बहुत अच्छा प्रोडक्शन हुआ राइस का, इसी के बेसिस पर इंडिया में जो जया और रत्ना अपने पास में NM बोरलॉग ने ये डेवलप की थी IR8, और राजस्थान अपने इंडिया में जो था जया और रत्ना डेवलप की गई थी वो अपने यहीं पर। एक बात और हो जाए, इंडियन राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट, वो इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट फिलीपींस, हाँ फिलीपींस, ये फिलीपींस में काम किया था। अच्छा सर, अपने इंडिया का जो राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट है, इंडियन राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट, तो ये कटक में एस्टैब्लिश्ड है, हाँ, तो बच्चों के लिए थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन ये, क्योंकि फिलीपींस वहाँ पर NCERT ने जिक्र किया है, तो इंटरनेशनल बेसिस पर फिलीपींस, और इंडिया में अगर कोई पूछता है तो आप कटक उड़ीसा का नाम याद रखना,
वहाँ पर इंडिया का जो राइस है उसका रिसर्च इंस्टीट्यूट है ना, तो इसमें सर राइस से आ जाएगा। नेक्स्ट इन मूव, ये भी बढ़िया क्वेश्चन सर, मेरे को बड़ा अच्छा लगता है ये पूरे सेगमेंट में, वहाँ पर 5-7 लाइनें हैं एनसीईआरटी में, उससे यही क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। इन मूव वीन म्यूटेशन कैन कॉज रेजिस्टेंस टू येलो मोज़ेक वायरस, तो ये वायरस है तो मोज़ेक वायरस ही था, तो ये हमें याद रखना है, इसमें कोई ऐसा लॉजिक नहीं है, लेकिन आपके साथ डिस्कस करने का हमारा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि ये मूव बीन म्यूटेशन एक्चुअली ये वहां पर है और वो सबसे ज्यादा पूछा जाता है, इसीलिए आपके पास ये म्यूटेंट वैरायटी है। सबसे ज्यादा खास बात ये है म्यूटेंट, देखो ज्यादातर जो अपने पास में टेबल दे रखी है वो हाइब्रिड से बनाई हुई वैरायटी है सर, हाइब्रिडाइजेशन से, परंतु म्यूटेंट का एक ही एग्जांपल है अपने पास में मूंग बीन वायरस। हजार म्यूटेशन करवाते हैं, गामा रेज यूज करते हैं अपने पास में, तो हजारों म्यूटेशन करवाते हैं ना, तो कोई एक बेनिफिशियल म्यूटेशन होता है, तो कई लाखों म्यूटेशन में अपने पास में एक बेनिफिशियल म्यूटेशन हुआ और ये वैरायटी बनी जो अपने पास में येलो मोज़ेक वायरस के प्रति रेजिस्टेंस होती है। जैसे कहा जाता है कि अपना जो वीट है, जो हेक्साकॉर्ड है, वो भी एक्चुअली म्यूटेशन से ही बना है, इसमें कोलचिसिन का यूज करके, कोलचिसिन का यूज करके, और वो अपने पास म्यूटेशन, हां म्यूटेशन से पॉलीप्लॉइड है तो काफी डेवलप की है, जैसे ट्रिटिकेल बनाया गया है मैन मेड सीरियल, तो उसमें राई और व्हीट का कॉम्बिनेशन म्यूटेशन है एक्चुअली। अब ये स्टडी क्या है, काफी पहले कराई जाती है, सही बात है, अब एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से है नहीं ट्रिटिकेल और ये नहीं, लेकिन ये एनसीईआरटी में अभी भी लिखा हुआ है, तो इसीलिए हमारे लिए सबसे ज्यादा खास हो जाता है सर। फाइंड द इनकरेक्ट मैच, इसमें इनकरेक्ट, ये बढ़िया है, बायोफोर्टिफिकेशन से रिलेट कर रहा है बिल्कुल, तो रसायनों का आधिक्य, अनरेस्ट केमिकल्स प्लांट, विटामिन ए कैरेट बिल्कुल सही है, स्पिनच बिल्कुल सही है, विटामिन बी, ये बिटर गार्ड में सर नहीं होगा, ये बेथुआ एक्चुअली सी होता है, तो यहाँ ये रॉन्ग बन रहा है, है ना, आयरन कैल्शियम है स्पिनच बथुआ बिल्कुल सही है, बथुआ में तो सबसे ज्यादा आयरन की प्रेजेंस बताई जाती है और बथुआ ब्रिंजल के अंदर होता है, चिल्वा वगैरह कुछ बोलते हैं ना सर इसको, चिल्वा खरपतवार के रूप में होता है खेतों में और हरी सब्जी के रूप में, लोग इसको पराठे बना के पराठे बनाते हैं, प्रोटीन 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 के लिए ब्रॉड बीन है, लैब लैब के लिए याद है कि आप इस पे कंफ्यूज ना हो, एक्चुअली ये बीन सैम कबॉटनी का नाम है जिसका पूरा नाम है डॉलिकोज लैबलब, ठीक है, तो फ्रेंच बीन गार्डन बी ये सब के सब फावेसी के मेंबर है और अल्टीमेटली ये प्रोटीन प्रोड्यूसिंग एलिमेंट है या क्रॉप्स है, तो अपना राइट आंसर बी, हाँ बिल्कुल रॉन्ग पूछा है तो आपका फोर्थ आंसर बन जाता है बिल्कुल। इसी से रिलेटेड दूसरे क्वेश्चन भी आप याद रखें, हैप्लॉइड प्लांट इट कैन बी प्रोड्यूस बाय, तो अभी अपन ने एक्सप्लांट के थ्रू बात करी थी, पोलन ग्रेन कल्चर, रुहा एंड महेश्वरी ने ये सबसे पहले काम किया था कल्चर मीडियम में टेस्ट ट्यूब के अंदर, इन्होंने हैप्लॉइड मेल प्लांट को प्रोड्यूस किया था, क्योंकि भाई पोलन ग्रेन जो है वो मेल प्लांट का पार्ट है, तो मेल प्लांट ही प्रोड्यूस होगा, तो पोलन ग्रेन कल्चर जो है मतलब कोई भी जैसे पोलन ग्रेन आप ओवरी वगैरह लोगे तो फीमेल वाले में चला जाएगा, तो अपने पास में हैप्लॉइड प्लांट तो उधर तो अपने पास में एम्ब्रियो सैक वगैरह और इधर अपने पास में पोलन ग्रेन अपने पास में यूज कर, तो हम जैसे बात करें टिश्यू कल्चर की, तो टिश्यू कल्चर में सर सब खेल एक्सप्लांट पे, जो एक्सप्लांट बोगे वैसा प्रोडक्ट, वही वही चीज हुई ना कि जैसा बीज बोगे वैसा प्लांट बनेगा, तो आप जैसे एक्सप्लांट लोगे वैसे ही आपका आगे प्लांट जनरेट होगा, सीधा कांसेप्ट वही है। द पप्ड अप द अपीयरेंस ऑफ ड्रॉप इज ड्यू टू प्रोडक्शन ऑफ ओबियसली CO2 होगा सर, हाँ बिल्कुल CO2 होगा सर, क्योंकि इसमें वो कहे गए हैं कि जो इडली डोसा होता है उसमें जो डप बनाते हैं आजकल कुछ लोग इसमें इनो का यूज कर लेते हैं, इनो भी ओबियसली CO2 का प्रोडक्शन करते हैं, तो लेकिन नेचुरल फॉर्म में ये बैक्टीरिया के जरिए फर्मेंटेशन होता है और फर्मेंटेशन में CO2 निकलता है और उससे पफिंग आती है, आजकल के बनाने में जल्दी रहती है ना सर, इसलिए ये नहीं यूज कर लेते हैं, नेचुरल होने के लिए बिल्कुल बिल्कुल नेचुरल का टाइम इस पर प्रोड्यूस्ड बाय द माइक्रोब्स आर रिगार्ड्स एज वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट डिस्कवरीज
of the 20th century and have great contribution toward the welfare of human society. Obviously sir, ये antibiotic के respect में बात कर रही है और वो actually हमने penicillin पर ही तीन question यहाँ put up किए हैं जो सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं. बिल्कुल, और अलग अलग आपके पास में terms में उनको किस तरह से question बनते हैं पूरा कर दिया cover. बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि एक्चुअली हम लोग बॉटनी का जो एप्लीकेशन पार्ट फर्स्ट है वो भी बना चुके हैं. तो जो मेन मेन क्वेश्चन है वही हम आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं इस टाइम. नेक्स्ट, रिगार्डिंग पेनिसिलिन. पेनिसिलिन इट वाज द फर्स्ट एंटीबायोटिक डिस्कवर्ड. बिल्कुल, फर्स्ट एंटीबायोटिक जिसकी डिस्कवरी ये अप्रत्याशित तरीके से हुआ था. सडनली Because the bacteria connected with the penicillin discovered is Staphylococcus. बिल्कुल सही है सर. हाँ बिल्कुल, ये भी सही है. Penicillin they extracted from the penicillin rotatum. ये भी सही है. तो इसका मतलब है सर all correct बन रहे हैं. तो आप इसे भी ध्यान रखें. अच्छा क्वेश्चन है. Next, the oil stained from the laundry can be most efficiently removed by the ये जो ऑयल है, मतलब जो कहा जाता है कि जो कपड़े के अंदर इम्प्योरिटीज आ जाती है, गंदगी होती है, एक्चुअली वो लाइपेज होता है. लाइपेज होता है क्योंकि धब्बे जो होते हैं वो अपने पास जनरली वसा के फैट के गिरते हैं. ऑयल वगैरह बॉडी में जो हम ऑयल यूज करते हैं वो भी कहीं ना कहीं क्लॉथ से कनेक्ट होता है, क्योंकि ऑयल जो होता है डस्ट पार्टिकल को अट्रैक्ट कर लेता है और वो अपने पास में जाता है. तो लाइपेज यूज करेंगे तो ऑयल हट जाएगा, तो डस्ट पार्टिकल फ्री पानी के साथ बाहर आ जाएगा. नेक्स्ट, द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट हैज इनिशिएट द क्या इनिशिएट किया and the to save these major rivers major rivers of our country from pollution. Actually main yahan par add karna chahunga ki Rajiv Gandhi ji ke karyakal ke dauran ye Ganga action plan aur Yamuna action plan start kiye gaye the, jise aaj bade zor shor par kaam kiya ja raha hai. Ganga ki safai abhiyan chalaye ja rahe hain. No doubt kafi paisa kharch hua hai aur kafi kaam bhi hua hai, लेकिन इसकी शुरुआत राजीव गांधी जी के दौरान हुई थी और वहाँ पर इसकी सबसे पहले इनिशिएशन लिया गया था और उस पर लंबे समय तक काम चल रहा है. तो ये एक्चुअली गंगा एक्शन प्लान है, यमुना एक्शन प्लान है. तो इनिशिएट द ये वहाँ पर गंगा एक्शन प्लान है, यमुना एक्शन प्लान. ये अच्छा क्वेश्चन है. ये और यमुना तो सबसे पॉल्यूटेड अपने पास में रिवर भी हो गई है. अब जो भी है काम तो गवर्नमेंट कर ही रही है, वो कितना सफाई करते हैं वो अलग बात. एक्सपेन IPM है ना, तो इंडियन पेस्ट मैनेजमेंट, इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट, ये अच्छा खासा क्वेश्चन है. एक्चुअली इस कहा जाता है कि जो बैकलो वायरस है ये IPM का जो पर्पज है उसे फुलफिल करता है. तो एक्चुअली पेस्ट मैनेजमेंट का मतलब ही यही है कि जो हार्मफुल है, जो क्रॉप को एडवर्स इंपैक्ट डालते हैं उन्हीं को आपको डिस्ट्रॉय करना है. आपको जो यूजफुल है, जो इकोसिस्टम के लिए बहुत ज़रूरी है, हमारे क्रॉप के लिए बहुत ज़रूरी है, हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, इकोलॉजी या इकोसिस्टम के हेल्दी रहने के लिए बहुत ज़रूरी है, कम से कम उन्हें डिस्ट्रॉय करना. बिल्कुल सही बात है ना. तो ये उसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन है, बढ़िया है. From the given example, how many are related SCP? Single cell protein. तो सर इसमें एल्बिगो फंगस है, ये नहीं है. न्यूकर फंगस है, नहीं हो सकता. स्पायरोना यस, ये इस साल ही नीट में बना भी है. स्पायरोना ग्रीन एल्गी है, यूरोथ्रस ग्रीन एल्गी है, ऑसिलोटोरिया भी BGA है पर प्रोटीन नहीं पैदा, लेकिन ये प्रोटीन प्रोड्यूस नहीं है, नाइट्रोजन से काम आ गया है, तो ये प्रोटीन नहीं पैदा, लेकिन प्रोटीन प्रोड्यूस नहीं करता है, तो इसलिए एक सिंगल केवल स्पाइरुलिना है ये होती है. और अपने पास में स्पाइरुलिना ऐसे अपने पास में स्ट्रक्चर की प्रोटीन होती है, वो मतलब बीजीए होती है. और अपने पास में अंतरिक्ष यात्री जो होते हैं एस्ट्रोनॉइट्स, इसको यूज करते हैं. इसको भी स्पाइरुलिना को भी करते हैं, क्लोरेला को भी करते हैं. 70% इसमें अपने पास में प्रोटीन होती है. तो अपने पास में और बीजीए है तो ऑक्सीजनेटिक फोटोसिंथेसिस भी इसमें होता है, तो ये ऑक्सीजन भी अपने पास में रिलीज करती है.
क्लोरेला भी अपने पास में इसमें यूज होती है। क्लोरेला जो है ये अपने पास में जनरली यूनिसेलुलर अपने पास में ग्रीन एल्गी, तो ये अपने पास में दोनों। सर सर, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज रॉन्ग मैच्ड? कौन गलत तरीके से मैच हुआ? मिथाइलोफिलस मेथाइलो एससीपी बिल्कुल सही है। एजोटोबैक्टर लिविंग बैक्टीरिया बिल्कुल सही है। स्ट्रेप्टोमाइसिन ये एंटीबायोटिक बनाएगा, एंटीसेप्टिक नहीं बनाएगा, एंटीसेप्टिक नहीं बनाएगा, है ना? तो इम्यूनो सप्रेसिव एजेंट ये बनाएगा, तो ऑब्वियसली इसका राइट आंसर थर्ड हो जाता है। एंटीसेप्टिक जो होती है वो तो अपने बाथरूम क्लीनर वगैरह इनमें यूज होती है, सरफेस को साफ करने। सही सही, सही। ये अपने पास में थर्ड रूम। सर सर, a compound which is produced by an organism and inhibit growth of another organism called the antibiotic. यहाँ antibiotic की discovery definition आ जाती है ना? तो कहने का मतलब इस जो NCERT में आपके छोटा सा segment है उसमें हम लोगों ने NCERT based कुछ usable questions को आपसे discuss किया है, आप इन्हें याद रखें और इस एडवर्स कंडीशन में ये आपके लिए बेनिफिशियल होंगे, हम ऐसे उम्मीद करते हैं, ठीक है ना?